पब्लिक ट्रेंड्स में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आदिल नसीर। चलिए बिना देरी किए हुए जान लेते हैं गोपालगंज की खास खबरों को विस्तार से। गोपालगंज जिले के विजयपुर प्रखंड के मिडिल स्कूल अहिल्यापुर में दो नियोजित शिक्षक आपस में भिड़ गए। इस दौरान दोनों ओर से लात घूंसे और चप्पल से हमला किया गया। ये सभी चीज स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने आए छोटे छोटे बच्चों के सामने होता रहा। इसी दौरान किसी ने अपनी मोबाइल कैमरे में इस पूरी घटना को कैद कर लिया और सोशल मीडिया वायरल कर दिया। फिलहाल इस मामले में शिक्षकों की लड़ाई के बाद शिक्षा विभाग द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गई है। दरअसल सरकारी स्कूलों का हाल बेहाल है। यहां पर सोशल मीडिया पर विजयपुर प्रखंड के अहिल्यापुर मिडिल स्कूल का एक वीडियो सामने आया है। वायरल वीडियो में मिडिल स्कूल की शिक्षिका और शिक्षक के बीच चप्पल और लात घूसों से मारपीट हो रही है। मारपीट के दौरान स्कूल के बच्चे डरे सहमे एक तरफ किनारे खड़े हैं। बताया जाता है कि विजयपुर प्रखंड के मिडिल स्कूल अहियापुर में दो नियोजित शिक्षकों के बीच प्रभार लेने को लेकर पूर्व से विवाद चला आ रहा था। इसी विवाद के दौरान जब महिला शिक्षिका स्कूल के बरामदे में कुर्सी पर बैठकर बच्चों को पढ़ा रही थी, उसी दौरान स्कूल के दूसरे शिक्षक जो प्रिंसिपल के प्रभार में हैं उनसे बात बात में बहस करने लगे। बहस के दौरान महिला शिक्षिका के द्वारा दूसरे शिक्षक की चप्पल से पिटाई कर दी जाती है। चप्पल से पिटाई के बाद शिक्षक के द्वारा भी महिला शिक्षिका को लात और घूसों से पिटाई कर दी जाती है। करीब दो मिनट का ये मारपीट वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो के बारे में जब विजयपुर के प्रखंड के शिक्षा पदाधिकारी ओम प्रकाश यादव से बात की गई तो उन्होंने बताया कि उन्हें भी इस वीडियो की जानकारी मिली है। उन्होंने कहा है कि यह वीडियो 4 से 5 दिन पुराना है। वीडियो वायरल होने के बाद उनके द्वारा स्कूल का जाँच किया गया था। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि महिला शिक्षिका का नाम रीना बैठा है और शिक्षक का नाम अमरेश तिवारी। बीईओ ने कहा कि महिला शिक्षिका रीना बैठा के द्वारा बच्चों को पढ़ाया जा रहा था, तभी एक शिक्षक के द्वारा उसका वीडियो बनाया जा रहा था। इसी वीडियो बनाने को लेकर विवाद हुआ जिसके बाद दोनों में मारपीट होने लगी। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने कहा कि जांच में ये बात सामने आई है। बीओ ने कहा कि उनके द्वारा दोनों शिक्षकों को नोटिस जारी किया गया है। नोटिस का जवाब मिलने पर उनके द्वारा दोनों नियोजित शिक्षकों के ऊपर कार्रवाई को लेकर नियोजित इकाई को पत्र लिखा जाएगा। बहरहाल सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को लेकर लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। मामला तो लड़ाई झगड़े का है दो शिक्षकों के बीच। एक शिक्षक है, एक शिक्षिका है और मामले को संज्ञान में लिया गया है और जिला से स्पष्टीकरण भी पूछा गया है। उसके बाद जो दोषी इसमें करार दिए जाएंगे उस पर कार्रवाई होगी। मामला मध्य विद्यालय अहियापुर का है। ओम प्रकाश यादव, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी विजयपुर। गोपालगंज के कुचायकोट थाना क्षेत्र के बिलवनवा और हसना गांव के पास नामजदों द्वारा एक युवक को रास्ते में रोककर उसे चाकू से गोद दिया गया। साथ ही उसके पास रखे 1 लाख रुपए छीनकर फरार होने की बात कही जा रही है। जख्मी युवक कुचायकोट थाना क्षेत्र के सासामूसा गांव निवासी अशोक तिवारी का बेटा उमंग तिवारी बताया जा रहा है। दरअसल घटना के संदर्भ में बताया जा रहा है कि जख्मी युवक उमंग तिवारी मोटरसाइकिल पर सवार होकर अपने दीदी के घर गोपालगंज जा रहा था। इसी बीच बिलवनवा और हसना गांव के पास नामजद और अज्ञात लोगों द्वारा उसके बाइक को चारों ओर से घेर लिया गया। इस संदर्भ में जख्मी युवक उमंग कुमार ने बताया कि आरोपियों द्वारा बाइक को रोक कर उसके पास रखे 1 लाख रुपये छीन लिए। जब इसका विरोध किया गया तो उन लोगों द्वारा पीठ में चाकू घोंप दी गई। जख्मी युवक ने बताया कि वह 1 लाख रुपए लेकर गोपालगंज जा रहा था अपनी बहन को देने के लिए। इसी बीच आरोपियों द्वारा पैसे छीनकर भाग गए। फिलहाल जख्मी युवक को सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में इलाज कराया जा रहा है। वहीं इस संदर्भ में कुचायकोट थाना साक्षी राय ने बताया, अभी तक किसी तरह कोई आवेदन नहीं मिला है। वैसे जख्मी युवक के परिवारजनों द्वारा चाकू लगने की जानकारी दी गई है, लेकिन जैसे छीनने की बात नहीं बताई गई है। फिलहाल आवेदन मिलने के बाद मामले की जांच की जाएगी, आरोपियों पर कार्रवाई की जाएगी। यहाँ गोपालगंज अपना दीदी की यहाँ कुछ माइकर हसना मोड़ पर वे लोग जबरदस्ती गाय रोक लो, गाय छीन लो, पैसा सब छीन के उनका चाकू मार दिया। जबरदस्ती रोकल हन तो 5-6 आदमी मारा नड़ दूबे पड़ी।
से हम आ रहे थे, अपने दीदी के घर भोपाल में जा रहे थे। रास्ते में कुछ स्माइकर लोग बेलमा और हसना के बीच जो दोनों साइड गांव है वहाँ पे कम से कम 10-15 लोग थे, 3-4 बाइक था और उसमें से हम 5-6 आदमी का नाम जानते हैं। पहला में विवेक सिंह उसका नाम है, एक लड़का का जो बेलमा का निवासी है, और दूसरा उसका भाई है अभिषेक, वहीं का है, और एक अंकित सिंह नाम का है लड़का है, डुमरिया गांव का है वो था, और दिव्यांशु सिंह नाम का लड़का था जो हसना का था। बस हम इतना लोग का नाम जानते हैं और बाकी सब अज्ञात में 10-15 आदमी थे। लाठी वगैरह छुरी तलवार सब लिए थे और मेरा चैन पहन के हम दीदी के घर जा रहे थे और 1 लाख रुपया था, सब छीन लिया लोग गाड़ी बचाने, गाड़ी उसके बाद हम अपने भैया को बुलाए तो भैया आए, उसके बाद वो लोग भाग गए। 1 लाख रुपया कहाँ अपने दीदी के घर जाए, दीदी का तबीयत खराब था, हाँ पैसा छीन लिया है, हाँ चैन भी छीन लिया है, बाइक बच गया है, चाकू मार दिया, हाँ चाकू मार दिया है बीच में। हमारा नाम उमंग कुमार। पूरे बिहार में भीषण गर्मी पड़ रही है और सूखे के अभाव में खेत में पड़ी फसलें भी सूखने लगी हैं। बिहार में बिल्कुल नाजुक हालत बना हुआ है इस सूखे को लेकर के। गोपालगंज में बारिश नहीं होने से किसानों की हिम्मत भी टूटने लगे हैं। गोपालगंज में महज 20% ही धान की रोपनी हो पाई है, लेकिन ये फसल भी पानी के अभाव में खेतों में पीले पड़ने लगे हैं। धान की फसलों को साफ देखा जा सकता है कि कैसे ये सूखने लगी हैं। खेतों में पड़ती दरारें किसानों के चेहरे पर पड़ते झुर्रियों से ज़्यादा गहरी नहीं है, लेकिन खेतों में दरारें अब ज़्यादा चौड़ी होने लगी हैं। गोपालगंज शहर से महज कुछ दूरी पर बहोरा टोला इस गांव के 27 वर्षीय किसान मोहम्मद कासिम ने बताया कि उन्होंने इस साल भी 9 कट्ठे की धान की खेती की है। वो मजदूरी करते हैं और पैसा उन्हें मजदूरी से मिलता है, उस पैसे को खेती में लगाते हैं, उस पैसे को उन्होंने खेती में लगा दी है। बारिश अच्छी हुई थी, उन्हें रोपनी भी कर लिया है, लेकिन अब बारिश के अभाव में खेतों में दरारें पड़ने लगी हैं, नम कम होने से खेत सूखने लगे हैं। मोहम्मद कासिम के द्वारा लगाई गई धान की फसलें पानी के अभाव में पीले पड़ने लगे हैं। हालांकि मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में झमझम बारिश होने की पूर्वानुमान जाहिर की है, लेकिन अब ये देखना होगा कि यह पूर्वानुमान कितना सही और सटीक साबित होता है। छोटी सी आंखों में पूरी दुनिया को देखने का हुनर होता है, तो इसकी देखभाल बिल्कुल सावधानी से। हम हैं टाइटन वर्ल्ड एंड टाइटन आई प्लस एक्सक्लूसिव टाइटन शोरूम, जहां कंप्यूटर द्वारा निशुल्क आंखों की जांच, अनुभव करें हमारे 20 स्टेप त्रुटिहीन घड़ियों और चश्मों के स्टार्टिंग प्राइस 599 से। तो आज ही आइए टाइटन वर्ल्ड एंड टाइटन आई प्लस DAV हाई स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज। जिले का गौरव 73 वर्षों से गोपालगंज की सबसे भरोसेमंद जेवर की दुकान रामकृष्ण ज्वेलर्स। हमारे यहाँ 916-750 का ह्यूज हॉलमार्क सोने चांदी के साथ IGI द्वारा प्रमाणित हीरे का जेवर भी उपलब्ध है। BIS 916 हॉलमार्क शुद्ध सोना, संपूर्ण पारदर्शिता, GIA प्रमाणित हीरा, गोल्ड एक्सचेंज पर 0 कटौती, आजीवन मेंटेनेंस का वादा, गोल्ड ज्वेलरी पर 25% और डायमंड ज्वेलरी पर 20% तक की छूट। हमारे यहाँ लगे कैरेटोमीटर से सोने चांदी के गहनों की शुद्धता की जांच ग्राहक स्वयं करें, वो भी निशुल्क। रामकृष्ण ज्वेलर्स, मेन रोड गोपालगंज। विगत 28 वर्षों से आपकी आस्था एवं विश्वास का प्रतीक JDS पब्लिक स्कूल एंड प्रताप कोचिंग सेंटर, जहां CBC पैटर्न पर आधारित को एडुकेशन कैरिकुलम NCERT क्लास नर्सरी से 10th तक इंग्लिश मीडियम स्कूल। साथ ही हमारे यहां 25% सीट रिजर्व फॉर BPL फैमिली, साइंस लैब फैसिलिटीज, कंप्यूटर लैब फैसिलिटी, स्मार्ट क्लासेस एंड प्रोजेक्ट वर्क फॉर ईच स्टूडेंट, हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। Admission open for 2023-24 session. JDS Public School and Pratap Coaching Center, Ramnath Path, Saraswati Nagar, Ward Number 12, Gopalganj. बिजली के करंट के चपेट में आने से 30 वर्षीय राजमिस्त्री की मौत हो गई। परिजनों में कोहराम मच गया। घटना नगर थाना के बनकटा तकिया गांव का है। कुचायकोट थाना क्षेत्र के करमैनी मोहब्बतपुर गांव निवासी गोवर्धन राम का पुत्र मृतक राजमिस्त्री हरे राम, जिसकी उम्र 30 वर्ष है, नगर थाने की पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने की प्रक्रिया में जुटी हुई है। हमारा नाम सुमन कुमार राम है, काम करते हैं, बिजली से करंट लागे
तब ऐसा नाश्ता हो वहाँ घर मोहब्बत कर मैं आई गाँव के काम में काम बन जाए उसके गांव थाना की पुलिस ने लहुसी गांव में छापेमारी कर सोनू अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है। उसके यहां से लाइसेंस राइफल और जिंदा कारतूस पुलिस ने बरामद किया है। आरोपी के द्वारा सोशल मीडिया पर बंदूक के साथ तस्वीर वायरल किया गया था जिस पर पुलिस ने कार्रवाई की है और बंदूक के लाइसेंस को भी रद्द करने के लिए प्रस्ताव भेज दिया है तथा गिरफ्तार आरोपी पर विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई की जा रही है। थावे प्रखंड सह अंचल कार्यालय की जांच डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बुधवार को किया है। इसके साथ ही प्रखंड के 11 पंचायतों की जांच पदाधिकारियों द्वारा किया गया। जांच से प्रखंड और अंचल कार्यालय सहित सभी पंचायतों में हड़कंप सा मचा हुआ है। वहीं डीएम प्रखंड सह अंचल कार्यालय पहुंचकर सभी विभागों को बारी बारी से पंजी की समीक्षा की। इसके साथ ही लंबित पड़े मामलों को जल्द से जल्द निपटारा करने का निर्देश दिया। DCLR ने अंचल कार्यालय की जांच की। उन्होंने लंबित पड़े आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, दाखिल खारिज सहित अन्य मामलों को ससमय निष्पादन करने का सख्त निर्देश दिया। वहीं मनरेगा कार्यालय की जांच DDC अभिषेक रंजन ने किया। उस दौरान सभी पंजीयन का समीक्षा किया। थावे स्थानीय प्रखंड मुख्यालय के गेट पर बुधवार को अपनी 9 सूत्री मांगों को आशा और फैसिलिटेटर ने धरना प्रदर्शन किया। धरना के दौरान आशा बिहार सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आशा का कहना था कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक हम लोग हड़ताल पे रहेंगे। वहीं प्रखंड कार्यालय जांच करने पहुंचे DM डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और DDC अभिषेक रंजन को आशा ने अपनी मांगों को लेकर आवेदन देकर मांग पूरी करने की बात की, जिस पर आश्वासन देते हुए DM ने बिहार सरकार तक मांग पहुंचाने की बात कही। धरना में राजकुमारी देवी, रेणु देवी, लीलावती देवी, रीता देवी, देवंती देवी, मंजू देवी, अनिता देवी और सुनीता देवी सहित प्रखंड की आशा शामिल थी। गोपालगंज जिला और सत्र न्यायाधीश ADJ 6 की अदालत ने पॉक्सो एक्ट के एक मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी मनसुखा सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इस मामले में कोर्ट ने पब्लिक प्रोसिक्यूटर दरोगा सिंह तथा बचाव पक्ष के वकील शैलेंद्र तिवारी के द्वारा किए गए बहस और दिए गए साक्ष्यों के आधार पर विचार करते हुए यह फैसला सुनाया। बताया जा रहा है कि मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र में 2019 में एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ था, जिसमें पुलिस ने घटना के कुछ ही दिनों बाद आरोपी को छपरा क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया था। तभी से आरोपी जेल में बंद है और उस पर मुकदमा चलाया जा रहा है। लगभग 2.5 साल तक चले इस मुकदमे की कार्रवाई में दोनों पक्षों के बयानों और सबूतों के आधार पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया, जो इस वक्त पूरे न्यायालय परिसर सहित क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। माधागढ़ में सप्ताह में 4 दिन बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार को नियमित टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जाता है, जिसके तहत ANM के द्वारा निर्धारित किए गए माइक्रो प्लान के अनुसार टीकाकरण किया जाता है। बुधवार को माझा प्रखंड अंतर्गत कोइनी, मधुसरेया, पथरा सहित करीब 1.5 दर्जन आंगनबाड़ी केंद्र पर ANM के द्वारा टीकाकरण किया गया। मधुसरेया आंगनबाड़ी केंद्र पर टीकाकरण कर रही ANM सुनीता कुमारी का जांच VCM सुनील कुमार ने किया। जांच के दौरान पाया गया कि आशा कार्यकर्ता के हड़ताल पर रहने के बावजूद सेविका कमलावती देवी के सहयोग से DU बुक के अनुसार 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को टीका लगाया जा रहा था। साथ ही आरोग्य दिवस भी मनाया जा रहा था, जिसकी मॉनिटरिंग VCM सह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र माझा के उत्प्रेरक सुनील कुमार के द्वारा किया गया। जिले के टॉप 10 अपराधियों को लेकर गोपालगंज पुलिस अलर्ट मोड में है। पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने बताया कि जिले के सभी टॉप 10 अपराधी जो अभी भी पुलिस के गिरफ्तार से बाहर हैं या न्यायालय में आत्मसमर्पण नहीं कर रहे हैं, उनके विरुद्ध अभियान चलाकर इश्तेहार, तामिला, कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि टॉप 10 अपराधियों में शामिल अपराधी को पकड़ने वाले पुलिस ऑफिसर तथा सूचना देने वाले व्यक्ति को विभाग द्वारा इनाम भी दिया जाएगा और सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी। हालांकि पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात के कार्यकाल में काफ़ी संख्या में गिरफ्तारी हुई है, पर अभी तक 4 से 5 अपराधी फरार
चल रहे हैं जो प्रशासन के लिए सरदर्द बने हुए हैं। इन सभी अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात के निर्देश में पुलिस की एक खास टीम काम कर रही है ताकि जल्द से जल्द इन सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा सके। गोपालगंज पुलिस ने जिले की महिलाओं और लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार, छेड़छाड़ तथा अपराध को लेकर रोकथाम करने के लिए एक विशेष टीम का गठन किया है जो किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार तथा कोचिंग संस्थानों में पढ़ने वाली लड़कियों के साथ छेड़छाड़ या लूटपाट की घटना को रोकने के लिए लगातार काम कर रही है। बता दें कि काफ़ी दिनों से पुलिस को सूचना मिल रही थी कि बैंक से पैसे निकासी कर घर जाने के क्रम में काफ़ी महिलाएं ठगी की शिकार हो रही हैं तथा कोचिंग संस्थानों में पढ़ने वाली लड़कियों के साथ कुछ मनचले छेड़छाड़ करने की कोशिश भी कर रहे हैं, जिसको देखते हुए पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने तत्कालीन एक टीम गठित कर मामले को निर्देशित किया है कि इस तरीके के मामले आए दिन सुनने को मिल रहे हैं। अगर इस प्रकार की घटना कोई अंजाम देता है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि महिलाओं और लड़कियों से लगातार कुछ नशेड़ियों द्वारा लूटपाट की घटना भी अंजाम दी जा रही है, उस पर भी टीम सक्रियता से काम कर रही है। गोपालगंज राज्य परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग और जिला पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के निर्देशानुसार भोरे, विजयपुर और सबया हवाई अड्डा के समीप वाहनों का जांच अभियान चलाया गया। जांच अभियान के तहत लाइसेंस, हेलमेट, सीट बेल्ट, प्रदूषण परमिट, फिटनेस इंश्योरेंस, SLD माइनर, ड्राइविंग खतरनाक तरीके से वाहन चलाना, मॉडिफाइड साइलेंसर, रेस ड्राइविंग और ओवरलोडिंग की जाँच की गई। इस क्रम में कुल 108 वाहनों का लाइसेंस, हेलमेट, सीट बेल्ट, प्रदूषण परमिट, फिटनेस इंश्योरेंस, खतरनाक तरीके से वाहन संचालन और ओवरलोडिंग इत्यादि की गहन जांच में मुबलिग 11,85,000 रुपये शमन कर राजस्व वसूली की गई। जांच टीम ने जिला परिवहन पदाधिकारी गोपालगंज श्री मनोज कुमार रजक के साथ अपर जिला परिवहन पदाधिकारी गोपालगंज, मोटरयान निरीक्षक गोपालगंज और प्रवर्तन अवर निरीक्षक गोपालगंज भी शामिल रहे। माझागढ़ थाना क्षेत्र के भवानीगंज गांव में मुहर्रम को लेकर शांति समिति की बैठक सदर SDM की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित सदर SDM डॉक्टर प्रदीप कुमार ने कहा कि मुहर्रम त्यौहार में हथियारों का प्रदर्शन पूरी तरह से वर्जित रहेगा। उन्होंने कहा कि सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलकर आपसी सौहार्द के साथ मुहर्रम का त्यौहार मनाएं। वहीं बैठक में उपस्थित सदर SDPO परांजल कुमार ने बताया कि अनुशासित अखाड़े को प्रशासन द्वारा सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बार मुहर्रम को लेकर नियमों में कुछ बदलाव किया गया है। इस बार अखाड़े का लाइसेंस में नौजवानों को भी शामिल किया जाएगा, साथ ही अखाड़े का नंबरी भी किया जाएगा। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से अपील की कि हथियारों का प्रदर्शन सार्वजनिक जगहों पर न करें, इसके लिए जनप्रतिनिधियों से प्रशासन के सहयोग करने की अपील की। बैठक में थाना अध्यक्ष दिनेश कुमार यादव, SI रविकांत दुबे, CO ज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव, प्रमुख वाजिद अली, मुखिया प्रतिनिधि किताबुद्दीन, पूर्व मुखिया मनोरंजन सिंह उर्फ रंजन सहित अन्य लोग मौजूद थे। जाधोपुर थाने की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए बंगरी गांव की एक टेम्पो को पकड़ा है जिसमें तहखाना बनाकर 5 KG गांजा पुलिस ने बरामद किया है। उसके साथ रविंद्र राम थाना जादोपुर को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी गांजा की तस्करी से जुड़ा हुआ है। पुलिस इसके पूरे नेटवर्क को खंगाल रही है और इस आरोपी के दूसरे अन्य आपराधिक इतिहास का भी पुलिस जांच कर रही है। फिलहाल इसके गांजा और टेम्पो को जब्त करते हुए आरोपी को NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। माझागढ़ स्थानीय थाना क्षेत्र के भवानीगंज गांव में मुहर्रम को लेकर शांति समिति की बैठक सदर SDPO की अध्यक्षता में की गई। बैठक में उपस्थित सदर SDM डॉक्टर प्रदीप कुमार ने कहा कि मुहर्रम का त्यौहार भाईचारे का त्यौहार है और इसमें हथियारों का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलकर आपसी सौहार्द के साथ मुहर्रम का त्यौहार मनाएं। वहीं बैठक में उपस्थित सदर SDPO परांजल कुमार ने कहा कि अनुशासित अखाड़े को प्रशासन द्वारा सम्मानित किया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मुहर्रम को लेकर नियमों में कुछ बदलाव किया गया है। इस बार अखाड़े का लाइसेंस नौजवानों को भी दिया जाएगा। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से अपील करते हुए कहा कि
कोशिश रहे कि हथियारों का प्रदर्शन सार्वजनिक जगहों पर न किया जाए। इसके लिए जनप्रतिनिधियों से प्रशासन के सहयोग करने की अपील की गई। बैठक में थाना अध्यक्ष दिनेश कुमार यादव, एसआई रविकांत दुबे, सीओ ज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव, प्रमुख वाजिद अली, मुखिया प्रतिनिधि किताबुद्दीन, पूर्व मुखिया मनोरंजन सिंह सहित बहुत सारे लोग मौजूद थे। पब्लिक टाइम्स में आज बस इतना ही। अगली खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।